गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपका पार्ट 10 बाक, जिनकी कवियत्री है ललत। कौन है ललत? ललत एक कश्मीरी लोकप्रिय कवियत्री हैं। कश्मीर में ये बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती हैं। इनके जन्म के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है, कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिले हैं कि इस समय इनकी जन्म हुआ था और इस समय मृत्यु हुई थी। लेकिन फिर भी इनका जन्म माना जाता है सन 1320 ईस्वी के आसपास। कब माना जाता है? सन 1320 ईस्वी के आसपास। और कहां? श्रीनगर के पास स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में। कहां माना जाता है? देखो अब इनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। विशेष जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। इन्हें ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जाना जाता था। ये इनके उपनाम थे, इन नामों से भी इनको जाना जाता था। किसको? ललत को। ये एक कवियत्री हैं। इनकी रचनाएं हैं वाक, जो हमारे पाठ भी है वाक। वाक में हम इनकी रचनाएं अलग अलग पद और छंद पढ़ेंगे। काव्य विशेषताएं, इनकी काव्य की जो विशेषताएं हैं वो है कि इन्होंने भी बाह्य पाखंडों से दूर उठकर, ऊपर उठकर ईश्वर का स्मरण करने के लिए बताया है और हमें इस अपने ही मन में, अपने जीवन में ईश्वर की जो श्रेष्ठता है वो अपने मन को एकाग्रचित करके या ईश्वर में ध्यान लगा के ही हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि इधर उधर भटक के। ये इनकी काव्य विशेषताएं थी। और इसमें भाषा शैली इनकी जो है वो वाक में लिखी गई है। इनकी भाषा शैली और अत्यंत सरल और अकृत्रिम भाषा का इन्होंने अपने वाक में प्रयोग किया है। ये बेटा इनका एक छोटा सा क्या है, जीवन परिचय है। अब अपन इनका पाठ में से पद पढ़ रहे हैं। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार पार। अब इसमें कवियत्री कह रही, कवियत्री के अनुसार जो जीवन है वो एक कच्चे धागे के समान नश्वर है। जैसे कि कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का जो जीवन है वो कभी भी नष्ट हो सकता है। तो रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात कवियत्री के अनुसार जो जीवन है वो कच्चे धागे के समान नश्वर है। खींच रही मैं पार, और मैं उसी रस्सी के सहारे अपने जीवन की जो नाव है उसको खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, अर्थात ईश्वर के बारे में कवियत्री कह रही है कि न जाने वो कब मेरी पुकार, अर्थात कब मेरी वेदना को, मेरी पुकार को सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, भव सागर होता है संसार रूपी सागर, अर्थात कब ईश्वर मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। इन दो लाइनों की अपनी व्याख्या है। आगे देखो, पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे का अर्थ होता है बेटा क्षण भंगुर जीवन, अर्थात थोड़े समय का जीवन। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इसमें कवियत्री जीवन के बारे में कह रही है कि जीवन एक कच्चे सकोरे के समान, अर्थात क्षण भंगुर है। थोड़े ही समय के लिए हमें नहीं, इंसान को नहीं पता होता कि कब उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो ये जीवन है एक क्षण भंगुर है, तो इसमें व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो क्षण भंगुर होने के कारण इसमें पानी टपकना, पानी टपकने का अर्थ यहाँ दिया है कि हमारे जो आयु है, हमारे जो जीवन की उम्र है वो निकलती, निरंतर पानी टपकने अर्थात निरंतर घटती जा रही है। हमारे जीवन की आयु के जो क्षण है वो निरंतर घटते हुए जा रहे हैं, अर्थात जीवन छोटा होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरे प्रभु मिलन के जो प्रयास है वो भी सारे व्यर्थ हो रहे हैं। मैं ईश्वर को, अपनी मनोकामना को, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको, मैं, मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन वो भी मेरी इच्छा के जो व्यर्थ प्रयास है वो भी बेकार हो रहे हैं। व्यर्थ का हो गया बेकार, प्रयास जो प्रयत्न कर रही है वो भी व्यर्थ हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, जी में उठती रह रह भूख,
देखो कवयित्री कह रही है कि जी में अर्थात मेरे हृदय में जो एक हुक हुक होती है तड़प या वेदना, कवयित्री के अनुसार उनके हृदय में जो तड़प और वेदना ईश्वर के प्रति उठ रही है, घर जाने की चाह है गहरे, वो भी घर घर अर्थात ईश्वर के पास जाने की जो चाह जो इच्छा है वो घेरे हुए है। अर्थात कवयित्री अपने जीवन में जो भी वेदना उनके हृदय से निकल रही है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, वो ईश्वर के घर जाना चाहती है अर्थात ईश्वर दर्शन करना चाहती है। ये इन चारों लाइनों का बेटा अपने भावार्थ हो गया है, ये इसमें तीन शब्दार्थ है। अब आप लोगों को इसका भावार्थ लिख लेना है, सीधा लिखना है रस्सी कच्चे धागे की, फिर डॉट करके ये नीचे वाला लिख देना घर जाने की चाह है घेरे, फिर नीचे आप सीधा शब्दार्थ लिखना इसके और फिर भावार्थ, ये आपकी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।